ओम नमः शिवाय। मित्रों, गुड वाइब सीओ सेशंस के 21वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्र ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, आपका जो शरीर है वो जिस ऊर्जा से चलता है, वो ऊर्जा विभिन्न चक्रों से होकर जाती है और इन्हें ही हम चक्र कहते हैं। ये प्रमुखतः 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 7 जगहों पर होते हैं, नीचे से ऊपर तक। और हम बताएंगे कि कैसे जो है आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र काम कर रहा है, कौन सा चक्र सही से काम नहीं कर रहा, और इनका संतुलन कैसे बैठा सकते हैं आप, क्या इनके बीज मंत्र हैं, क्या इनकी पोजीशंस हैं, और क्या इनके लक्षण हैं, और क्या इनकी ताकतें हैं, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको पता लगने वाली हैं आज। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और अपने विषय को, चक्र ऊर्जा। दोस्तों, चक्र जो है 7 प्रकार के होते हैं, 7 जगहों पर होते हैं। नीचे से शुरू करेंगे दोस्तों, जननेंद्रियों के पास जो होता है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। इसमें असंतुलन आप पहचान सकते हैं, जैसे आपको हमेशा भूख लगती है, या फिर सोने का मन करता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मन करता है कि जो मतलब आपकी वासनाओं में वासनाओं को दर्शाता हो। इसका केंद्र जो होता है जननेंद्रिय होता है। इसका जो बीज मंत्र है आपका लम है। आप ध्यान करते हुए लम शब्द को ध्यान में रखकर आप अगर ध्यान करेंगे तो इसको संतुलन करने में आपकी मदद मिलेगी दोस्तों। और इसका जो तत्व है दोस्तों मूलाधार चक्र का, वो भू है। भू मतलब पृथ्वी, जमीन। और अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो आप जो है अपने आप को ठीक से समझ सकते हैं। और इसके संतुलन असंतुलन वाले जो लोग हैं, जो असंतुलन है जिनमें, वो सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप से ही मतलब रखते हैं, किसी और से कोई फालतू मतलब नहीं रखते। और भी इनका मतलब जैसे बी होता है ना, फील, एक्ट, लव, स्पीक, इन सब से दूर होते हैं, खाली ये अपने आप में ही केंद्रित रहते हैं। ये मूलाधार चक्र के लक्षण है दोस्तों। दूसरा चक्र दोस्तों होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये नाभि के नीचे होता है। ये भी जो है मूलाधार चक्र की ही तरह जननेंद्रियों को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही जो है इसमें अगर यह संतुलित है तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं, शरारती करते हैं, थोड़े बहुत गलत काम भी करते हैं। और ये पोजिशन नाभि के नीचे होती है। इसका बीज मंत्र जो है वम होता है। वम को केंद्रित करके अगर आप ध्यान लगाएंगे और उस जगह पर ध्यान लगाएंगे नाभि के नीचे, तो आपका ये चक्र ठीक से काम करेगा। इसका जो तत्व होता है दोस्तों जल तत्व होता है। और अगर ये संतुलित है तो आप बहुत ही अच्छे से आप कोई भी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं और आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, जल तत्व अगर आपका ठीक है तो। तीसरा चक्र होता है दोस्तों आपका मणिपुर चक्र। इसका केंद्र आपका नाभि के पीछे होता है। इसमें अगर यह संतुलित है दोस्तों तो आपको हर बात पे क्रोध आता है, बहुत सारा क्रोध आपको आएगा, बात बात पे आप क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाओगे। और साथ ही साथ इसका एक और लक्षण है कि आपको हर काम करने की इच्छा होती है। जो भी आप नया काम देखते हैं आप सोचते हैं कि यह मैं खुद ही कर लूँ, और हर चीज़ में आपको काम करने की इच्छा होती है और फिर दिखता है। और इसका बीज मंत्र है दोस्तों रम। रम को आप केंद्रित करके ध्यान लगाएंगे और नाभि पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये चक्र जो है ठीक से काम करेगा दोस्तों। इसका जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। और जो अगर ये ठीक से संतुलित कार्य करता है तो आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही राइट होते हैं, बहुत ही ठीक होते हैं। आपके एक्शंस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों चक्र आता है अनाहत चक्र। ये दोस्तों जो इसका केंद्र है ये दोनों छातियों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ये अगर ये आपका ठीक से काम कर रहा है तो आपका जो प्रवृत्ति है वो दयालु और दानी और सोच समझ के व्यवहार करने वाली है। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपको इसके विपरीत लालच हो जाएगा और आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा।
आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाओगे, तू तड़ाक से बात करोगे, तो अनाहत चक्र के कारण होता है दोस्तों। और इसका जो बीज मंत्र है दोस्तों यम होता है, यम को ध्यान केंद्रित करके दोस्तों छाती के बीच में आप ध्यान लगाएंगे, पोजिशंस में यम 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 करेंगे तो आपका जो अनाहत चक्र है वो संतुलित हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो तत्व होता है दोस्तों वो वायु होता है, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो इसमें फीलिंग होती है वो लव की होती है। आप बहुत सही तरीके से आप प्यार कर सकते हैं सबसे, अपने आप से, दूसरों से, अपने परिवार से, और इसको संतुलित करिए और सुखी जीवन बिताइए। और दोस्तों इसके बाद जो है चक्र आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र दोस्तों इसका जो केंद्र होता है वो कंठ होता है, गला हमारा। अगर ये ठीक से चलता है तो आप बोलने में माहिर हैं, और आपको जो अध्यात्म है उसकी शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है अगर ये चक्र आपका ठीक से काम कर रहा है। दोस्तों इसका जो बीज मंत्र है वो हम होता है, हम को ध्यान केंद्रित करके आप जो है इसको संतुलित कर सकते हैं। अगर ये संतुलित नहीं है दोस्तों तो आप ठीक से बात करने में अक्षम हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है, और आप जो है अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, और आप अपने आप को ही कर्ता मानते हैं अगर ये असंतुलित है तो। दोस्तों इसका जो तत्व होता है वो आकाश होता है, आकाश को ईथर भी बोलते हैं, ईथर जो कैसे भी आप समझ सकें, डार्क मैटर समझ लीजिए, वो होता है इसका तत्व ईथर, आकाश। दोस्तों अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डार्क मैटर वाली बात, क्योंकि डार्क मैटर और ईथर थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं आकाश को हम मान सकते हैं, क्योंकि जो अंतरिक्ष है हमारा, जो ब्रह्मांड है, उसमें 95% के आसपास डार्क मैटर ही है, तो कह सकते हैं। और इसमें जो क्षमता होती है दोस्तों, जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो स्पीक की होती है, बहुत अच्छे से आप बात करना सीख जाएंगे अगर आपका विशुद्धि चक्र सही से काम कर रहा है तो। प्रवक्ता होंगे, बहुत बड़े बड़े विचारक होंगे आप बन जाएंगे विशुद्धि चक्र को संतुलित करके। इसके बाद दोस्तों चक्र आता है आज्ञा चक्र या अजना चक्र। इसका जो केंद्र होता है दोस्तों, ये दोनों भौहों के आपके बीच होता है, आँख के ऊपर भौहें होती हैं उनके बीच में इसका केंद्र होता है। और इसका जो अगर ये संतुलित है तो आप बौद्धिक रूप से काफ़ी अच्छी आप परख रखते हैं, सत्य को जानते हैं, आप मोह माया की समझ रखते हैं, और आप जो है निर्णय करते हैं वो बहुत ही सही निर्णय करते हैं दोस्तों। इसका बीज मंत्र दोस्तों ओम होता है, और इसका जो तत्व है वो प्रकाश तत्व है। आप जो है बड़े बड़े संत विचारक जो है वो आज्ञा चक्र संतुलित करके रखते हैं, और आप जो है परमात्मा के और निकट आ जाते हैं। और इसका जो प्रवृत्ति है वो है दोस्तों सी की, सी मतलब देखना, और आप जो है सत्य देख सकते हो, सत्य समझ सकते हो, और किसी को भी दृष्टा भाव से आप देख सकते हो घटना को, या कुछ भी आप घटित हो रहा है तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद दोस्तों आता है सहस्रार चक्र। इसका जो जो दोस्तों केंद्र होता है, ये आपका बालों का केंद्र है ऊपर की तरफ, जहाँ पे बाल आते घूम बनता है। इसका भी दोस्तों ओम है। दोस्तों आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को ओम मंत्र से ही संतुलित किया जाता है। ओम जो है हमारे ब्रह्मांड का जो है एकमात्र ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड खुद अगर आवाज़ निकालता है तो वो ओम 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 होती है। आप गैलेक्सी सुन सकते हैं नासा पर, आप यूट्यूब पे जाइए सर्च करिए गैलेक्सी साउंड या यूनिवर्स साउंड, तो आप सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अगर सहस्रार चक्र आपका सही से काम कर रहा है तो आप जो है ब्रह्म की समझ रखते हैं, और आपको निश्चय ही आप मोक्ष के बहुत करीब हैं, और आप एक महायोगी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, इंसान हैं। इसका दोस्तों जो तत्व होता है वो विचार होता है, मतलब विचार तत्व होता है, जो आपके विचार हैं, जो अगर किसी के विचार भी हैं तो उनको भी समझने की परख आपको आ जाएगी। आप किसी के भी मन की बात और उसका जीवन, उसके जो सोच रहा है वो आप समझ पाओगे। ये सब दोस्तों सहस्रार चक्र के संतुलन से संभव है।
और इसका जो प्रवृत्ति है वो नो की है दोस्तों, की है नो डब्लू नो, मतलब कि आप समझ आपकी बढ़ जाएगी, आप जो है सही समझ पाओगे। जैसे सी था दृष्टा भाव था, इसमें आप समझ पाओगे मतलब जो रियलिटी है वो क्या है और घटनाएं क्या करेंगे क्यों क्या हो जाएगा और दूरदृष्टि आप में आ जाएगी। और दोस्तों इस तरह से आप काफ़ी कुछ आज के एपिसोड में हमने आपको बताया, जिससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा परिवर्तन होगा हम ये आशा करते हैं। दोस्तों जो आपके चक्र हैं इनको योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बाद में हम इसके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, हम जरूर आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। और बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं गूगल पे, और आपको मिल जाएगा इसी इन्फॉर्मेशन। अगर आप वीडियो चाहते हैं कि स्पेशली कोई सटीक वीडियो बने और बहुत ही अच्छे वीडियो बने तो आप कमेंट करिए, और हम आसनों के माध्यम से चक्रों को बैलेंस करना बताएंगे, और साथ में ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन्हें चक्रों को ठीक कर सकती हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के बताना चाहूँगा, जैसे आपका डिप्रेशन है वो मोस्टली क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के कारण होता है, तो आप अगर वहाँ पे केंद्र करके आप ध्यान लगाएंगे ओम का, और ये निश्चय ही बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और मोस्टली कैंसर होते हैं ब्रेन ट्यूमर को छोड़ के, ब्रेन ट्यूमर जो है मूलाधार चक्र पे होता है दोस्तों, उसे केंद्र करके हम ठीक कर सकते हैं, मतलब उसमें लाभ ले सकते हैं। और अन्य जो कैंसर होते हैं दोस्तों वो थ्रोट चक्र यानी कि जो गले वाला चक्र होता है दोस्तों, विशुद्धि चक्र, उसके कारण होते हैं, उसमें डिसबैलेंस के कारण होते हैं। और स्ट्रेस जो होता है दोस्तों वो आपका आज्ञा चक्र और साथ में साथ अनाहत चक्र के कारण भी होता है दोस्तों। क्राउन चक्र भी स्ट्रेस के लिए उत्तरदायी होता है, सहस्रार चक्र, और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं। आप जरूर आप कमेंट करिए और हम अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे आप चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और क्या आसन है उसके लिए, और कौन से आसन किन बीमारियों में काम करता है और जल्दी से जल्दी आपको लाभ होता है। दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में जल्द ही और बहुत ही रोचक विषय के साथ। आई एम योर गुड वाइब सीईओ साइनिंग ऑफ। ओम नमः शिवाय।